जय महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जिन लोगों का नाम एच अक्षर से शुरू होता है, तो एच नाम वालों के जीवन में साल 2022 में क्या-क्या बदलाव होगा। दोस्तों, यदि आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में वाईटी पुरुषोत्तम को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, इस वीडियो के अंत में आपके साल 2022 का अनोखा टोटका है, जिस टोटके को यदि आप आजमाते हैं तो साल 2022 में आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं रहेगा। तो वीडियो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं साल 2022 में आपके ग्रह के बदलाव के बारे में, कि साल 2022 में कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा एवं किस राशि के किस भाव में रहेगा। दोस्तों, आपको बता दे कि साल 2022 में 13 अप्रैल के दिन जो गुरु बृहस्पति हैं उनका गोचर मीन राशि के नौवें घर में होगा। इसके अलावा जो हमारे राहु देवता है तो राहु देवता का गोचर 12 अप्रैल को मेष राशि के दसवें घर में होगा। इसके अलावा 29 अप्रैल को जो हमारे भगवान शनि देव हैं तो शनि देव का गोचर कुंभ राशि के आठवें घर में होगा। इसके अलावा 12 अप्रैल को ये वक्री होकर मकर राशि के सातवें घर में गोचर करने वाले हैं। तो 2022 में ये आपके ग्रहों की स्थिति थी। इसके बाद बात करते हैं कि 2022 में आपका सेहत कैसा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों, साल 2022 में जो आपका सेहत है, जो आपका स्वास्थ्य है, वो औसत रहेगा, यानी कि न ज्यादा मजबूत होगा न ज्यादा खराब रहेगा। मित्रों, 2022 में गुरु बृहस्पति के आठवें घर में होने के कारण आपको अपने सेहत का ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए। जिन वस्तुओं का सेवन करने से आपको परेशानी होती हो, जिन वस्तुओं को खाने से आपका सेहत खराब हो जाता हो, तो साल 2022 में इन चीजों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए एवं आने वाले समय में आपको अपने दिनचर्या में बहुत ज्यादा सुधार करना चाहिए। आपको प्रतिदिन सुबह के समय एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी कि योगा व्यायाम करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सेहत में जल्दी कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा आप में से जो भी जातक नशा पान करते हो, धूम्रपान करते हो या शराब का सेवन करते हो, तो साल 2022 में इन चीजों को आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, इन चीजों का त्याग यदि आप नहीं करते हैं, तो आपका सेहत बहुत ज्यादा खराब होगा। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। मित्रों, 2022 में आपके कैरियर के दृष्टिकोण से जो आपका आने वाला समय रहेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। 2022 में आपको अपने कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। मित्रों, आप में से जो भी जातक नौकरी करते हो, जॉब करते हो, तो साल 2022 में यदि अपने नौकरी में, यदि अपने कामकाज में आप ईमानदार होते हैं, अपने नौकरी के क्षेत्र में अपने बॉस को
या अपने सीनियर को, यदि अपने कामकाज से, अपने व्यवहार से यदि आप खुश कर लेते हैं, तो साल 2022 में आपके नौकरी में आपकी जो तरक्की है वो बहुत ज्यादा मिलेगी। आपके बॉस एवं आपके सीनियर, इन लोगों का सपोर्ट, इन लोगों का सहयोग आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, साल 2022 में अपने नौकरी के क्षेत्र में कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों, साल 2022 में अपने नौकरी के क्षेत्र में किसी भी इंसान से आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी इंसान से बहस करने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि 2022 में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके बॉस या आपके सीनियर, इन लोगों के द्वारा आपको बहुत ज्यादा परेशान किया जाएगा। मित्रों, आप में से जो भी जातक नेटवर्किंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो साल 2022 में नेटवर्किंग के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। आने वाले समय में आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे, आपके समय का सपोर्ट, आपके समय का समर्थन आपको उतना ज्यादा मिलेगा। वैसे आने वाले समय में यदि आपके प्रेम जीवन, आपके लव लाइफ की बात करें, तो साल का जो शुरुआत रहेगा, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो शुरुआती 4 महीना रहेगा वो आपके प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। आप में से जो भी जातक साल 2022 में लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो साल के शुरुआत में आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट, आपके समय का समर्थन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन इन 4 महीनों के बाद आपके प्रेम संबंध में कुछ परेशानी होगी। जो आपके करीबी मित्र हो, आपके चाहने वाले हो या आपके आसपास के लोग हो, इन लोगों के द्वारा आपके प्रेम जीवन में आपको बहुत ज्यादा परेशान किया जाएगा एवं इन असामाजिक तत्वों के द्वारा आपको परेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा। मित्रों, 2022 में अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के साथ में आपको छल कपट नहीं करना चाहिए। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ में किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको परेशानी का सामना अवश्य करना होगा। वैसे आने वाले समय में यदि आपके धन संपत्ति की बात करें, तो पैसों के दृष्टिकोण से जो आपका आने वाला समय रहेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा। साल 2022 से पहले यदि आपके जीवन में पैसों के कारण कोई भी परेशानी थी, कोई भी समस्या थी, तो उस परेशानी का अंत अवश्य होगा एवं आपको अपने जीवन में पैसे कमाने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा साल 2022 में आपका कुछ ऐसा पारिवारिक कार्य होगा जिस काम के ऊपर में आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि आपकी जो आमदनी होगी उसमें भी वृद्धि होगी, लेकिन साथ में जो आपका खर्चा रहेगा वो भी काफी ज्यादा ऊपर आएगा। दोस्तों, अभी जो आपने सुना वो आपके 2022 का राशिफल था। इसके बाद बात करते हैं कि 2022 में किस टोटके को आजमाने के बाद आपका जो आने वाला समय रहेगा वो मजबूत होगा। दोस्तों, टोटका बहुत ज्यादा सामान्य है। साल 2022 में आपको अपने पूजा पाठ से भगवान शनि देव को खुश करना चाहिए। अपने पूजा पाठ से यदि भगवान शनि देव को आप खुश कर लेते हैं, तो आपका जो आने वाला समय रहेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा एवं आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं रहेगा। मित्रों, इसके अलावा यदि आपको अपने जन्म कुंडली के बारे में,
अपने हस्तरेखा के बारे में या अपने जीवन के बारे में अगर कोई भी बातें आप मेरे से पता करना चाहते हो तो अभी आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आपको अपना नाम भेज लेना है। मेरा नंबर है 8969514362। इस नंबर पर आपको अपना नाम भेज लेना है, उसके बाद आपकी बात मेरे से अवश्य होगी। तो आप व्हाट्सएप अवश्य करें एवं साथ में अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में YT पुरुषोत्तम को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार हो तो अपने विचार को आप नीचे कमेंट कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।